एक बार फिर से पशुपति पारस को उनके भतीजे यानी कि जमुई के सांसद चिराग पासवान ने बड़ा चैलेंज देते हुए कह दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है और उनकी उनको अपने आप पे भरोसा है, अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा है, तो एक बार फिर से चुनाव जीत के दिखाएं, फिर मैं समझ जाऊंगा कि उनके पास भी जनाधार की कोई कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि इस वक्त बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। जब से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर एक पार्टी अपने स्तर से कर रही है, उसके बाद से एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना एक बार फिर से पार्टियों ने शुरू कर दिया। इसी बीच में सबसे बड़ी खबर आ रही है चाचा और भतीजे को लेकर कि क्या जमुई के सांसद चिराग पासवान ने पशुपति पारस यानी अपने चाचा को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि एक बार सामने से चुनाव जीत के दिखा दें, मैं समझ जाऊंगा कि उनके पास जनाधार भी है और वो दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही है कि आखिर दलितों के सबसे बड़े नेता कौन है। कुछ का कहना है कि पशुपति पारस दलितों के सबसे एक नंबर नेता है, तो वहीं कुछ का कहना है कि चिराग पासवान दलितों के हित को सोचने वाले दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं, जो कि दिवंगत रामविलास पासवान के बाद सबसे बड़े दलितों के नेता चिराग पासवान ही हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि आखिर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में ये लड़ाई क्यों हो रही है, कि आखिर दलितों के सबसे बड़े नेता क्यों हैं, कौन है। लेकिन एक बार लोगों को और इन दोनों नेताओं को ये भी समझना चाहिए कि आखिर लोगों की मांग क्या है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में लोग किसको वोट देने वाले हैं, इसकी समीक्षा दोनों पार्टियों को सबसे पहले करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों झगड़ों के बीच में महागठबंधन एक बार फिर से बाजी पलटने में कामयाब हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों चाचा और भतीजे की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को अगर देखा जाए तो हो रहा है, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री पहले से ही मौजूद हैं, जबकि दूसरे की बात चल रही है कि दोनों की बहुत जल्द गठबंधन होने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोनों की लड़ाई बीजेपी के लिए भारी ना पड़ जाए। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।